अररिया, मोतिहारी और सिवान, 7 दिन में यहाँ 3 पुल हो गया धड़ाम। बिहार में पुल बनता नहीं बल्कि गिरता है। लोगों को सेवा देने से पहले बिहार की पुल मानो नदी में खुद गोता लगाने उतर जाती है। पुल के पिलर की गहराई इंजीनियर ने कैसे नापी है उसका पता लगाने नदी में पुल खुद उतर जाती है। इसलिए तो उद्घाटन का फीता कटता नहीं, बिहार में उससे पहले ही नदी की आगोश में चली जाती है बिहार की पुल और पुलिया। मरम्मत का इंतजार करते करते दम तोड़ देती है यहाँ पुल। भ्रष्टाचार की आंच में जलते जलते नदी में समा जाती है बिहार की ये पुल और पुलिया। ढलाई का काम कल चल रहा था शाम से और रात को 12 बज गया। 12 बजे के बाद में पुल गिर गया। तो रात में ढलाई का काम हो रहा था? रात भर ढलैया हो रहा है। क्या ढलाई के समय यहाँ इंजीनियर मौजूद था? कोई नहीं था यहाँ, कोई नहीं था, खाली मजदूर था ढलाइया वाला और 10 एकड़ का माल ढला रहा है, कोई किसी का कोई वो नहीं। कितना का प्रोजेक्ट है, कितना का पुल बन रहा है? ये 1,59,00,000 का प्रोजेक्ट है। पुल गिर रहे हैं और आरोप नदी पर मढ़ दिया जाता है। पुल गिर रहे हैं और भ्रष्टाचार पर जवाब देने की बजाय नदी को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। महज 7 दिन में बिहार में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार का 3-3 ब्रिज गिर गया और बार बार गिरते पुल पर बिहार का सियासी पारा भी अब हाई हो गया। निर्माण कंपनी गिरते पुल को लेकर जिम्मेदार नदी को ठहरा रही है और अब सियासत इस मामले पर तेज है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में गिरते पुल को लेकर सरकार पर सोशल मीडिया के जरिए सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने लिखा है कि पुल गिरे, भ्रष्टाचार के गुल खिले। अपने अंदाज में तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश के साथ साथ बिहार के दोनों डिप्टी सीएम और पीएम मोदी पर गिरते पुल को लेकर सवाल उठा दिया है। हर रोज यही कहानी है, जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स नियुक्त होते हैं और सबका सरकार में काम कर रहे मंत्री अफसर सबसे जब संलिप्तता रहेगी तो इस तरह का काम होते रहेगा। बिहार के लोगों को देखना चाहिए। 17 जून अररिया, 12 करोड़ की लागत से बना पुल उद्घाटन से पहले धड़ाम हो गया। 22 जून सिवान, महाराजगंज ब्लॉक में पुल गंडक में समा गया और अब 23 जून मोतिहारी, 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा ब्रिज टूट गया। ये हफ्ते भर का पुल गिरने का आंकड़ा है और हर आंकड़े में गिरते पुल के टूटने की गवाही है। गिरते पुल पर सवाल उठ रहे हैं लेकिन जवाब कहीं से नहीं। हाँ, एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का ट्वीट जरूर आया है कि भ्रष्टाचार पर दास्त नहीं होगा, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार, पुल निर्माण का ठेकेदार, संवेदक, सियासत, बिहार में पुल गिरने पर ये पहली दफा नहीं हो रहा है। आंकड़ा बिहार का यही है कि महज 3 साल में यहाँ 9 बड़े ब्रिज धड़ाम हो गए। 3 साल में 9 ब्रिज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। 12 मार्च 2024 सुपौल में 1200 करोड़ की लागत से बना पुल का हिस्सा टूट गया। 4 जून 2024 भागलपुर में 1710 करोड़ की लागत से बना पुल धड़ाम हो गया। 19 मार्च 2023 सारण में धड़ाम हो गया सालों पुराना पुल। 19 फरवरी 2023 पटना में निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया। 16 जनवरी 2023 दरभंगा में कमला नदी पर बना पुल टूट गया। 18 नवंबर 2022 नालंदा में निर्माणाधीन पुल गिर गया। 6 जून 2022 सहरसा में धड़ाम हो गया पुल। 20 मई 2022 पटना का पुराना पुल ढह गया। हालांकि बिहार में बाढ़ से पहले पुल के बदहाली की ये कहानी है। बाढ़ की विभीषिका बिहार में अभी आनी बाकी है। जेठ में ही पुल का धराशायी होना बाढ़ से पहले तांडव की तस्दीक है। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।